Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Welcome back to Chiski Muski. Hope you all are fine. Today I'm making very delicious Korean noodles, जो है रामेन noodles. रामेन noodles जो है वो बहुत hot and spicy हैं, full of flavor हैं, बहुत ही delicious तैयार होते हैं. So चले start करते हैं हम आज की recipe को. ये रामेन noodle मैं second time try कर रही हूँ. इस तरह से ये packet होता है. इससे पहले मैंने online order करवाया था, लेकिन मुझे ग्रॉसरी स्टोर में इजीली अवेलेबल था ये, तो मैंने वहाँ से ले लिया और बहुत ही डिलीशियस तैयार होता है. तो इसको हम ओपन करते हैं. इसमें से ये इसकी सॉस निकली थी, बहुत स्पाइसी होती है. इसके अलावा इसके अंदर से ये नूडल्स निकले हैं और वो हमारे पास नूरी शीट्स होती हैं, उनको काटा होता है. सबसे पहले मैंने वाटर को बॉयल किया था और तकरीबन 2 कप मैंने इसमें पानी लिया था. और ये नूडल्स जो हैं वो मैंने इसको थोड़े से तोड़ के, क्योंकि ये बहुत ही लंबे होते हैं, तो उनको मैंने थोड़ा थोड़ा तोड़ के तो इसको अब बॉयल किया. बॉयल हम इसको करेंगे तकरीबन 10 से 15 मिनट, जब तक ये सॉफ्ट नहीं हो जाते. तो आप देख सकते हैं ये अच्छे तरीके से बॉयल हो रहे हैं. इसके अलावा मैंने इसमें मैगी का फ्लेवर ऐड किया था. ऑप्शनल है अगर आप ऐड करना चाहते हैं, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा स्पाइसी चाहिए था, इस वजह से मैंने इसमें ऐड किया है. आप लोगों के पास ऑप्शन है, अगर आप डालना चाहें तो आप डाल दें. ओके, ये हमने बॉयल करने के लिए छोड़ दिया है. तकरीबन हमने इसको 15 मिनट बॉयल करना है. काफ़ी एक्सपेंसिव है ये पैकेट. एक पैकेट मुझे 320 में मिला था और इससे पहले मैंने ऑनलाइन ऑर्डर करवाया था, लेकिन अच्छा एक्सपीरियंस रहा था, तो मैं सेकेंड टाइम भी ट्राई कर रही हूँ. अभी हमने 15 मिनट इसको बॉयल किया है. अब हमने इसमें से रिमेनिंग वाटर जो है वो रिमूव कर देना है. तो वाटर मैंने इसमें से रिमूव कर दिया है. तकरीबन 4 से 5 टेबलस्पून जो है मैंने बीच में पानी रहने दिया है. अब इसके बाद हम इसको निकाल रहे हैं. आप किसी भी बाउल में इसको निकाल सकते हैं. निकाल लेने के बाद इसके अंदर मैं ऐड करने वाली हूँ जो इसके साथ मिले थे स्पाइसेस. सबसे पहले ये नूरी शीट होती है, उसको उन्होंने काट के छोटा छोटा काटा हुआ था, और वाइट कलर के जो तिल होते हैं वो इसमें ऐड किए हुए थे, और कुटी हुई लाल मिर्च थी आई थिंक इसमें. ये सारा कुछ मैंने इसके ऊपर डाल दिया था. इसके बाद मैं इसके अंदर डाल रही हूँ सॉस, जो बहुत ही मेन इंग्रेडिएंट है, बहुत ही स्पाइसी है. और ये मैं फुली ऐड कर रही हूँ. अगर आप लोग बहुत ज़्यादा स्पाइसी ऐड नहीं करना चाहते तो आप इसको हाफ ही ऐड करें. सो ये मैंने सारी इसमें ऐड कर दी थी. इट्स नॉट अ स्पॉन्सर्ड वीडियो, ये मैंने खुद से बनाई है, क्योंकि मुझे बहुत ही अच्छी लगी थी, इसलिए मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूँ. ओके, अब मैं इसको कर रही हूँ मिक्स. आपने इसको अच्छे तरीके से मिक्स 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 कर लेना है, और इसको पकाने की ज़रूरत नहीं है. आप इसको बॉयल करके, ये देखिए अभी गर्म है, आप देख सकते हैं इसका स्मोक जो है, तो आप इसके अंदर गर्म गर्म के अंदर ये ऐड करें, और गर्म कर ऐड करने के बाद ये जो है सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी है. बहुत ही डिलीशियस, और खुशबू भी इसकी बहुत ही टेस्टी है. सो होप यू विल इन्जॉय दिस रेसिपी. मैंने आज ये छोटा सा व्लॉग बनाया था, क्योंकि मुझे पसंद आई थी, तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर वीडियो बनाई जाए. और काफ़ी सारी मेरी फ्रेंड्स जो थी, उन्होंने मुझे कहा था कि आप इसके ऊपर रामेन नूडल्स के ऊपर बताएं कि ये किस तरह की है. तो ये मेरा सेकेंड टाइम ट्राई था, लेकिन अच्छा ट्राई रहा, क्योंकि फर्स्ट टाइम भी मुझे बहुत पसंद आई थी, तो मैंने सेकेंड टाइम भी ये मंगवाई. तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिए ये रेसिपी. मैं गारंटी के साथ कहती हूँ कि आप लोगों को बहुत पसंद आएगी, और ये बहुत ही डिलीशियस है, खासकर लेडीज़ के लिए, क्योंकि उनको ज़्यादा हॉट एंड स्पाइसी चीज़ें बहुत पसंद होती हैं. तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिए ये रेसिपी, और मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिए कि आप लोगों को ये रेसिपी पसंद आई या नहीं. आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरे सोशल मीडिया अकाउंट्स पर, फेसबुक पर भी कर सकते हैं, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, जिनकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, आप वहाँ से देख सकते हैं. और ये कोरियन नूडल्स जो हैं बहुत बेस्ट हैं. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. दुआओं में याद रखिए. अल्लाह हाफिज़.